एनए 238 के अंदर साफ और शफाफ धांधली सामने आ गई है और अब इलेक्शन कमीशन ने अपने आप के ऊपर खुद ही स्टैंप लगा दिया कि हम धांधली करने में मुलव्वस थे। 45 के अंदर किस तरह की धांधली हुई, खुद रिमूवर के साथ कई जगह पे मिटाया है और कई जगह वाइटो लगाया है, तो मैं अभी स्क्रीन पे चलाऊंगा और खुद ही आप देख लेंगे किस तरह की धांधली हुई है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि इंतजाम पता चले कि किन किन लोगों ने इसमें मुलव्वस थे और कौन 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 जीता और कौन हारा। तो आप अब जब इस रोल स्क्रॉल करते हुए जाओगे, वीडियो को वॉच करोगे, खुद बहुत आपको पता चलेगा कि कहां कहां मिस्टेक हुई और कहां कहां इन लोगों ने वाइटो लगा के हलीमा दर्शकों को किस तरह हराया और कितने उसके साथ हराया, तो अभी पता चल जाएगा। जब जितने आप काउंटिंग करोगे उसको प्लस करोगे तो खुद बहुत आपको पता चल जाएगा। तो जी जैसे आप आ जाओगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, आते के साथ ही अभी इस तरह खोल लोगे तो ये थ्री डॉट पर आप टच करोगे। उसके बाद टच करने के बाद आप देखोगे उस पर चले जाओगे जनरल इलेक्शन पर। जनरल इलेक्शन में आप क्लिक करोगे तो जनरल इलेक्शन 2024 पे आप क्लिक करोगे। 24 के बाद आप सिंध के ऊपर क्लिक करोगे। सिंध के ऊपर जैसे ये क्लिक कर लिया तो उसके बाद आपका जो जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहोगे ईमेल पर वो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद जैसे स्क्रोलिंग कर लोगे तो आप ये एनए और पीएस का वो खोलिए। तो हमने एनए का खोल लिया, एनए 238 पे जाएंगे। ये एनए 238 पे हम जा रहे हैं, एनए 238 सियरा, एनए 238 की ये फोल्डर पीडीएफ हम खोल रहे हैं। जैसे पीडीएफ खुल गया अब आप इसको स्क्रॉल करके ना देखने शुरू जी। तो ये स्क्रॉल करने से जहां पर ये वाइटो लगे आपको क्लियर पता चल रहा है जहां पर ये वाइटो के निशान लगे हुए, ठीक है। और यहां पर कहीं पर रिमूवल के साथ ये रिमूवल के साथ 122 किए हुए, ठीक है। और ये फिर ये वाइटो लगा हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह की टेम्परिंग का ये किया हुआ इलेक्शन कमीशन के लोगों ने उसमें मुलव्वस से, अब पता नहीं कि आरओ ने किया या आरओ के अलावा किसी और टीम ने ये काम किया। तो ये खासी अजीब सूरत हाल हुई अभी। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने इस फॉर्म 45 के तहत फंसने वाली है। अगर अदालतें ईमानदारी के साथ फैसला करे और हक का अगर साथ दे, और अगर ये आज पता चल जाएगा इस इलेक्शन के जितने ट्रिब्यूनल में केस गए, अगर हमारे अदल का जो निजाम है आज उसके मतलब है कि एग्जाम होगा, आज उसका इम्तिहान होने जाएगा कि वाकई में हक का साथ देती है या नहीं देती, तो ये हकीकत रोशन रोज आफ्ताब की तरफ हो जाएगा। कि जैसे भी पता चल जाएगा कि ये लोग वाकई में इन छोरों के साथ अगर मिले होंगे तो ये फैसला नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई क्लियर नजर आ रहा है ना टेम्परिंग भी ये, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी जमातों के पास भी, जमात इस्लामी के पास भी, टीएलपी के पास भी, पीपी के पास भी है, एमक्यूएम के पास भी। तो इनको इस तरह रीड किया जाएगा और इनको देखा जाएगा, और टीएलपी जमात इस्लामी ये सब तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो इस पे भी देखो ना वाइटो लगा हुआ, देखो एक मिटाया हुआ या दो आगे जो भी लगा हुआ वो फिगर मिटाया हुआ, 67 वोट किए हुए, ठीक है। और इफ्तिखार साहब के 207 वोट किए हुए, तो ये पूरा इस तरह टेम्पर हुआ। देखो अली मानी शेख के 135 वोट किए हुए और उसके 206 वोट किए हुए, तो ये चार पर अली मानी शेख है और 12 नंबर पे इफ्तिखार साहब है एम के होंगे। देखो ये क्लियर वाजे पता चल रहा है कि किस तरह की टेम्परिंग हुई, और इस तरह की टेम्परिंग चलती रही तो ये मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। कि इस तरह बेजाबतियां की जाती है जैसी इन लोगों ने की बौंडे तरीके के साथ, और तभी तो अभी लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं इस तरीके के साथ की जिस तरह इन लोगों ने हरकत की है। इस तरह की हरकतें तो बचकाना हरकत है, क्लियर पता चल रहा है। और मैं पूरे पाकिस्तान के जितने हल्के होंगे मैं सबके इस तरह की वीडियो बनाऊंगा और पूरे पाकिस्तानियों को दिखाऊंगा, मेरे पाकिस्तानी चेक करो ये किस तरह के बॉन्डेड तरीके के साथ ये इलेक्शन हुआ है। और अरबों रुपए जाया हुए, 50 अरब रुपए जाया हुए इस इलेक्शन के ऊपर। तो 50 अरब रुपए जाया करने की क्या जरूरत थी, आपको यही बॉन्डेड तरीका करना तो क्या जरूरत थी, उससे अच्छा आवाम को सब्सिडी दे दे, सब्सिडी के ऊपर कुछ काम चल जाता और कुछ किसी गरीब का भला हो जाता, कि मस्कीनों का इस मुल्क का पैसे जितना भी अरबों रुपए का बजट लगा 50 अरब रुपए, जिसमें बेवा है, यतीम है, मस्कीन है, उन सबका पैसा लगा हुआ है, सिर्फ ही कैंडिडेटों का तो नहीं लगा हुआ ना, कैंडिडेट 30,000 रुपए भरते हैं, ठीक है। और ये इतने बोंडे हैं अजीब और गरीब किस्म के कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के जितने प्रिजाइडिंग अफसरान होते हैं उनके पास कम से कम 20 से 25 वो होते हैं फॉर्म, ठीक है। एक एक बूथ में 20 से 25 वो होते हैं फॉर्म, ये मैंने खुद अपनी आंखों देखी हुई बात है कि मैंने खुद 20 से 25 फॉर्म अपनी आंखों के सामने देखे, जो फिल होने के बाद जैसे सारे के पोलिंग एजेंटों को मिल गए उसके बाद एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, इतने सारे पड़े हुए थे और ये हर बूथ में थे।
मिसाल के तौर पर एक स्कूल है और एक स्कूल के अंदर चार बूथ कायम है, ठीक है, तो चार मर्दों के और चार खवातीन के, आठ बूथ हो गए, तो हर बूथ के अंदर 20 से 25 होते हैं, तो 20 से 25 वो तो नहीं वो बैठे होते इलेक्शन के जो हमारे वो मेंबरान के जो के वर्कर होते हैं बैठे होते, हर पार्टी का एक एक बंदा बूथ में बैठा हो, तो अगर आठ पोलिंग स्टेशन है आठ बूथ है तो आठ ही बंदे बैठे होंगे, ठीक है, तो 24-48 इतने ही फार्म जा सकते हैं, तो हर बूथ के अंदर 20 से 25 फार्म होते हैं और हर बूथ में 5 से 6 लोग बैठे होते हैं, ठीक है, हर पार्टी की जो बड़ी बड़ी पार्टी है, जमात इस्लामी हो गई, तहरीक इंसाफ हो गई, MQM हो गई, PP हो गई, TLP हो गई है, तो पांच जमाते ये है, XYZ एक जमात और आ जाती, 6 लोग हो जाते, ठीक है, तो 6 फॉर्म ये चले जाते हैं, एक पुलिस वालों के पास जाते 7 हो गए, एक रेंजर वालों को दी जाती 8 हो गए, एक स्कूल के बाहर फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है, हर एक बूथ का, तो एक वो 9 हो गए, 10 समझ लो, एक जाया भी हो गई, 10 हो गए, एक इलेक्शन कमीशन में जमा हो रहा है 11 हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे फॉर्म पड़े होते, उसके बावजूद इन लोगों से इतनी मिस्टेक हुई कि नए फॉर्म बनाने चाहिए, और यही बॉन्डे तरीके जो इन लोगों ने की ना, इसी पे पसेंगे और इंशाल्लाह जलील और रसवा होंगे, इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम की बद्दुआएं लिए, और ये कभी खुश नहीं होंगे, ये हल्कों में से तो चले गए जैसे कैसे भी थे निकल गए, लेकिन अभी जाके नेशनल असेंबली में बहुत बुरे तरीके से पसने वाले हैं ये लोग, और ये जब पसेंगे तो इनको फिर अपनी औकात का पता चलेगा कि हम कितने हमारी औकात है और हम किस तरह की हरकतों में फंस गए। तो इलेक्शन कमीशन की फिर मेरे हिसाब से आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये बॉन्डे कसम का तरीका किया हुआ, ये किसी माफी के लायक नहीं है और ना इसको माफ किया जाना चाहिए। तो अभी जितना भी स्क्रॉल करते जाओगे, मैंने 584 फॉर्म है, ये 584 स्टेशन है, ठीक है, सॉरी 584 बूथ है, तो 584 बूथों का ये पूरा रिजल्ट मैंने स्क्रॉल कर लिया, और इस तरह मैं पूरे हलकों के पाकिस्तान का करूंगा ताकि आप सबको भी नॉलेज हो कि किस तरह की तरीके के साथ, ये बॉन्डे तरीके के साथ इन लोगों ने दानली की, और दानली पहले वोटों के जरिए, अब वोट तो दानली हुआ नहीं इनसे, ठीक है, इतनी तादाद में लोग निकले और इतनी तादाद में लोगों ने वोट डाला कि इनके वोश उड़ गए, अब इन लोगों के चलो फॉर्म 47 चुका थी, फॉर्म 45 के अंदर भी इस तरह के बाण मार दिए, तो ठीक है, उसके बावजूद बाकी पार्टियों के सबूत भी गए, बाकी पार्टियों भी तो गवाही देंगी इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल में, तो फिर आपका क्या बनेगा, कालिया क्या बनेगा आपका, देखना फिर आप क्या मुंह दिखाने के लायक रहोगे, या मीडिया पे, या लोगों को, या जब ये ओपन अदालतों में जब चलेंगे, ठीक है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जाने वाले हैं, आप मत समझें कि हमने बस ये टेम्परिंग कर ली, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले, ये छोड़ेंगे नहीं, एक MNA तो शायद छोड़ सकता है, एक MPA, लेकिन इसमें इतने जिद्दी लोग बैठे हुए कि जैसे अलीम अली शेख साहब, ये छोड़ने वाला नहीं है भाई, ये अपना हक लेके रहेगा, वो यही बात कह रहा है, मैं उससे मिला हूं, एक दो दफा मैंने बात की, तो वो अलीम अली शेख साहब कहने लगे मेरा हक है, मैं लेके रहूंगा कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं जीता हुआ हूं, ये हारा हुआ होता तो मैं आराम से बैठ जाता, और मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा, और अपना हक छोड़ना ऐसे है कि मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी करूं, लोगों ने मेरे पर भरोसा किया, मुझे वोट दिया, और मैं उनके इतबार को तो ठेस नहीं पहुंचा सकता, जैसे कैसे भी होगा मैं लड़ूंगा, कहीं तक भी जाना हो तो मैं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी हो, कहीं तक भी हो मैं जाऊंगा, इसके पीछे मैं हटने वाला नहीं। तो ये अलीम आदिल शेख साहब के गुफ्तगुशरीन मुझसे हुई है, और हफ्ता पहले की बात है, तो अब दोबारा भी मैं इससे बात करूंगा अलीम आदिल शेख से कि अब तो क्लियर सबूत भी आ गए, तो आपका आगे क्या कहना है और किस तरह की आप इसके पर राय अमल दोगे, क्योंकि पहले तो उनके पास अलीम आदिल शेख साहब के पास अपने फॉर्म थे और मतलब कि वेबसाइट पे नहीं थे, अब तो वेबसाइट पे भी आ गए, अब तो वो खुद रंगे हाथों पकड़े गए और कहते नहीं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए, तो ये मुन्नी तो बदनाम हो गई, खुद ही अपने हाथों के लिए खुद ही पस गई है, वेबसाइट पर डाल के वो भी वो बच्चों की तरह कि ये जैसे क्लास 1, 2, 3, 4 के जो बच्चे वाइटो इस्तेमाल करते ना, इस तरह वाइटो इस्तेमाल किया, तो जानबूझ के किए कि MQM वाले सारे के सारे वर्ज है, इस वजह से ये सारा इस तरह का बौंडा काम किया हुआ इन लोगों ने, तो या तो रिमूवर के साथ किए उसको मिटाया तो भी पसेंगे, रिमूवर के साथ करेंगे तो भी पस रहे, और या वाइटो के साथ करें तो भी पसेंगे, ठीक है, तो ये बहुत मुश्किलात इनके लिए खड़ी होने वाली, ये खान के सिपाही है और ये मतलब कि एक अजीब से कैफियत के लोग हैं और अजीब मिजाज के लोग हैं, तो वो कहता था इमरान रियाज साहब कहता था कि टक्कर के लोग मिले, तो वाकई में अब पता चलेगा कि टक्कर के लोग है या नहीं,
लेकिन मुझे उनकी बातों से और उनके जज्बात से यही मालूम हो रहा है कि वो ठक्कर के लोग है वाकई में, और इसको चैलेंज करेंगे, चैलेंज किया हुआ है और आगे तक जाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद और बहुत जलील और रसवाई के बाद इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, दर बदर पूरे और दर दर की ठोकरें खाने के बाद इलेक्शन लड़ा, और अवाम ने भी भरपूर साथ दिया। वो जो नारा लगाया था ना कि जुल्म का बदला वोट से, तो जुल्म का बदला तो अवाम ने वोट के जरिए दे दिया। अब तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट का काम है कि वो बदला अवाम ने जितना सपोर्ट किया था उसी सपोर्ट के तहत और आगे बढ़े, और तहरीक इंसाफ को ये तहरीक इंसाफ के कैंडिडेटों को चाहिए कि इनको जितवाए, सॉरी इनको आगे लेकर जाए और इन केसों को प्रॉपर तरीके के साथ लड़े, प्रॉपर चैनल के साथ लड़े, और अच्छे जितने इसके लैब के जो आई लैब के जितने लोग हैं वो सारे इनके वकील, इनके पास प्रोफेशनल वकील है, उनके हेल्प ले सकते हैं और प्रॉपर तरीके के साथ उनसे ये बनवा सकते हैं और ये कर सकते, ये आराम से हो जाएगा। अब तो सबूत क्लियर आ गए सामने, ठीक है। जितने प्रेजिडेंट का सराहने उनके अंगूठे भी लगे हुए, साइन भी हुए, ठीक है, उनका ओहदा क्या है, ठीक है, वो कहाँ जॉब करते हैं, ये भी सब तक लिखा हुआ, उनके स्नान रिकॉर्ड नंबर भी लिखे हुए, ठीक है, तो प्रॉपर काम हुआ है, ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रेजिडिंग अफसरान का इसमें मिस्टेक मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन लोगों ने फॉर्म बना के तो दे दिए, इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिए। अब इलेक्शन कमीशन की मर्जी वो फॉर्मों को जलाए, दूसरा बनाए, उसमें टेम्परिंग करे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रेजिडिंग अफसरान ने अपना काम किया और उन लोगों ने चेंज नहीं किया जितना मेरे मुझे लग रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के जो अमला है बाकी, उन लोगों ने इसमें चेंजिंग लेकर आए, और क्योंकि इससे वाजे फर्क पता चल रहा है, और क्योंकि प्रेजिडिंग अफसरानों को पता कि हम दोबारा ये काम करेंगे तो फिर हमें बयानी हल्फी भी देनी होगी, ठीक है, और कुरान पे हमें हाथ रखना होगा और ये सारे मसाइल से हमें गुजरना पड़ेगा, बार बार अदालतों के चक्कर भी में काटने पड़ेंगे। अब भी जाएंगे, ये बचने वाले तो नहीं, फिर वो भी जाएंगे, सबूत दिखाएंगे, यानी हल्फी देंगे कि हमने जो दिया वही एक ही दबा दिया, दोबारा हमने कोई फॉर्म 45 न भरा है, न स्टैंप किया है, न उसमें अंगूठा साइन लग किया हुआ है, क्योंकि इस तरह इसमें अगर बेशतर देखें ना तो सारे प्रोफेसर अजरा थे कराची यूनिवर्सिटी के, और जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे वो है, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज्यादातर टीचर हजरात लिए गए, ठीक है, तो बहुत सारे ये सीनियर अफसरान हैं और सीनियर लोग हैं, ये इस तरह का बोंडा काम नहीं कर रहे, और ये आप देखते रहो कि किस तरह की मैं क्रॉल कर रहा हूं, और तकरीबन 98% इसमें चेंजिंग की गई, 98% चेंजिंग हुई है, तो वाजे देखा जा सकता है कि अलीम आदिल शेख साहब कितनी लीड के साथ जीता है, और बाकायदा इनको अगर आप देखें और सोचे तो फिर आपको पता खुद अंदाजा लग रहा है ना। जी ये मेरे हलके का एक वो है फॉर्म 45 है, स्टेशन नंबर 268 है, और इसमें देखो अलीम आदिल शेख साहब के 102 वोट है और एमक्यू माले के 44 वोट है, तो ये भी टेम्पर किया गया, जिसी मैं लिख रहा हूँ ना, ये ओरिजिनल फॉर्म टेम्पर हुआ फॉर्म है, ठीक है, ये सारे टेम्पर किए हुए फॉर्म है, ये फॉर्म भी टेम्पर हुआ है, ठीक है, ये सारे टेम्पर हुए, क्योंकि मेरे पास सबूत है, मैं खुद अपने घर के मेरे पास मोबाइल के अंदर अभी भी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप हुई है तो मैंने तस्वीरें मेरे पास, और मुझे याद आ गई कि वाकई में इस तरह की टेम्परिंग हुई है, जब मैंने चेक किया कि वाकई में है या नहीं, लेकिन वाकई में ये टेम्पर हुए हुए, तो तकरीबन इस तरह का काम हर जगह हुआ है, और ये वाजे देखा जा सकता है कि इस तरह का काम हुआ है। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने मेरे दोस्त अब आप देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल का ख्याल रखें,
ताकि हम मैं इस तरह की वीडियो और बना सकूं और मुझे मोटिवेशन आपसे मिल सके। तो जितना हो सकेगा मैं हक और सच की बात आपको दिखाता रहूंगा ताकि हमारे मुल्क का भला हो सके, हमारा पाकिस्तान खुशहाली के साथ आगे बढ़े और हमारी जमहूरियत प्रमोट हो जाए। ये देख रहे हो ना, वाइटों के साथ हुआ है, बिल्कुल वाइटों के साथ बच्चों की तरह काम टेम्परिंग हुए हुए। देखो यहाँ कहीं रिमूवर है, रिमूवर यहाँ पे भी रिमूवर यूज हुआ है, यहाँ पर भी देखो वाइट यूज हुआ है। अब मैं एक स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ फास्ट ताकि जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो वीडियो के चक्कर में आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको देख सको। तो आप वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हो, तो आराम आराम से चेक करो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये देखो वाइटो लगी हुई है, वाइटो, ये वाइटो, तो ये देख सकते हो इसमें भी वाइटो लगी हुई थी, ठीक है। ये देखो चेंजिंग की, क्लियर क्लियर पता साफ से, तो वाइटो लगी हुई, देखो क्लियर क्लियर ऊपर नीचे की अक्सर। अच्छा ऊपर ये भी किया हुआ है, अली मदल शेख के वोट उनको दे दिए इफ्तिखार साहब को, ठीक है, सादिक इफ्तिखार एमकेएम वाले को, एमकेएम के वोट दे दिए हमारे अली मदल शेख साहब को दी। तो ये भी वाजे पता चल रहा है कि ऊपर नीचे भी किया, ज्यादा छेड़छाड़ी भी नहीं, उसके वोट इसको दे दिए, इसके वोट उसको दे दिए, अलीम भाई अलीम साहब के वोट इनको दे दिए, सादिक इफ्तिखार साहब के एमकेएम के, और एमकेएम के वोट जो थे वो अली मदल शेख को दिए। तो ये भी इस तरह की टेम्परिंग, ज्यादा इन लोगों ने भी छेड़छाड़ नहीं की, सादा सादा काम किया कि बस वोट इनके ऊपर नीचे करो ताकि ज्यादा हमें गड़बड़ ना हो, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़े क्योंकि फिर बाद में फंस जाएंगे और फिर जवाब तो देना होगा, और जवाब तो वैसे भी इनको देना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब ये क्लियर सबूत है और हम हर एमएनए के पास तकरीबन सबूत मौजूद है और हम हल हल्के का आपको इस तरह के सबूत करके दिखाएंगे ताकि आप सबको पता चले वाजे तरीके के साथ कि किस तरीके बोंडे का काम, बोंडे तरीके से काम हुआ है।